हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांतों में कैविटी के कारण जो है जब दर्द होता है और मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है। बात कर लेते हैं कैस्ट्रॉल डीटी की। यह दांतों में सूजन के लिए सबसे बेस्ट दवा, जब मसूड़े बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं कैविटी से और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो कैस्ट्रॉल डीटी सबसे बेस्ट दवा है। इसमें कैस्ट्रोलैक डीटी इसका जो है साल्ट कंपोजिशन है और यह दांतों में देख सकते हैं यहाँ पर दांतों में सूजन और दर्द के लिए दवा है। दोस्तों, जब डेंटल के डॉक्टर क्या होता है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मसूड़े बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाते हैं, तो डेंटल के डॉक्टर जो है डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, जैसे ही पानी में आप डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, तो दो टैबलेट के साथ जो है आप इसको पानी में डिजॉल्व करके ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में यह जो है पेन को एकदम रिलीव कर देता है। सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है सूजन और दर्द के लिए। और इसका डोज क्या है दोस्तों, 10 mg BG दिन में 2 बार आप ले सकते हो सुबह शाम। लेकिन जो है अगर सीवर पेन है तो 2 टैबलेट जो है पानी में डिजॉल्व करके आप ले सकते हैं। कैस्ट्रॉल डीटी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगली मेडिसिन है कैमरॉल फोर्ट। दोस्तों, यह दवा जो है बहुत फेमस दवा है और यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और इसमें साल्ट कंपोजिशन क्या है, ट्रिप्सिंग काइमोट्रिप्सिंग। यह जो है नाक में सूजन हो, कान में सूजन हो, मुंह में सूजन हो, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो, या फिर जो है हाथों में स्वेलिंग हो और पेट में स्वेलिंग हो, कहीं पे भी सूजन, बॉडी में कहीं पे भी सूजन हो, यह दवा सूजन के लिए बहुत बेस्ट दवा मानी जाती है और दर्द में भी बहुत अच्छी दवा है। और दोस्तों, यह दवा आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगी। यूज आप इसका दे सकते हैं, दांत टीथ स्वेलिंग और बॉडी स्वेलिंग, कहीं पे स्वेलिंग हो, स्वेलिंग के लिए बहुत बेस्ट दवा मानी जाती है। डोज इसका आप जानते हैं दोस्तों, BD है, दिन में 2 बार ले सकते हैं सुबह और शाम। और यह दवा दोस्तों जो है बहुत बेस्ट दवा मानी जाती है। और दोस्तों, किसी भी मेडिसिन को आपको स्वयं से यूज़ नहीं करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी मेडिसिन को यूज़ करना है। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।